दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि परमानेंट प्लांट मैक्सिकम पिटूनिया को आप कटिंग से कैसे लगा सकते हैं आसानी से। दोस्तों, आज की वीडियो है एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट के बारे में जो लगभग साल भर ही फूल देता रहता है और जो फुल सन का प्लांट होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भावना और आप देख रहे हैं द बीज गार्डन, गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक। तो दोस्तों, आप जो ये प्लांट देख रहे हैं ये है मैक्सिकन पिटूनिया। तो जो सर्दी में पिटूनिया आता है ये उससे रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इसका नाम मैक्सिकन पिटूनिया इसको कहा जाता है क्योंकि थोड़े ये पिटूनिया जो विंटर वाले पिटूनिया होते हैं उनकी तरह ये देखने में लगता है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कटिंग से आप किस तरह से इसको आसानी से प्रोपागेट एक छोटी सी टहनी से किस तरह से लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने भी इसकी कुछ कटिंग्स लगाई थी जब मैं कहीं गई थी, तो मेरे को ये कटिंग दिखी थी इसकी, मतलब प्लांट दिखा था तो उसकी कटिंग मैंने लेके अपने गार्डन में लगाई थी। तो तब से ही ये मेरे गार्डन में बना पड़ा है। और सबसे अच्छी बात इस प्लांट की ये है कि ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। और इसके कई तीन तरह के जनरली इसके शेड्स आते हैं। एक वाइट कलर में ये आता है और एक पिंकिश पर्पल शेड इसका आता है और एक पिंक शेड आता है। फिलहाल मेरे पास वाइट और पर्पल शेड इस प्लांट के हैं। तो दोस्तों, ये मैक्सिको का नेटिव है, इसलिए इसको मेक्सिकन पिटूनिया या मेक्सिकन ब्लू बेल्स भी कहा जाता है। साथ ही इसके और नाम रुएलिया सिंप्लेक्स वाइल्ड पिटूनिया भी इसको कहा जाता है और डेजर्ट पिटूनिया भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही जो है कम पानी में भी सर्वाइव कर जाता है। तो गर्मियों के लिए बहुत ही एक अच्छा प्लांट है, आपके गार्डन के लिए बन जाता है और बिना केयर के भी ये बहुत ही अच्छे फूल आपके गार्डन में देता रहता है। और साल भर आपके गार्डन में धूप बनी रहती है तो साल भर भी ये फ्लावरिंग करता रहता है। और एक बार अगर आप इसको अपने गार्डन में ले आते हैं तो आपके गार्डन से कभी भी ये गायब नहीं होगा। इसमें बहुत सारे सीड्स बनते रहते हैं और इसमें सेल्फ सीडिंग होके कई नई प्लांट्स इसमें उगते रहते हैं। तो आपका गार्डन कभी भी खाली नहीं होगा। एक बार आप इस प्लांट को एक बार कटिंग से ही लगा लें तो कटिंग भी इसकी बहुत ही आसानी से लग जाती है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कटिंग कैसे इसकी लगानी है। तो कोई भी स्टेम ले लें, इतनी छोटी भी चल जाएगी, और नीचे की हम लीव्स निकाल देंगे। तो नोड एरिया से रूट फॉर्मेशन होता है। नोड एरिया मतलब जहाँ से लीव्स उगती हैं उसको नोड एरिया कहा जाता है। तो इस पॉट में मैंने और भी कटिंग लगाई थी इसकी, तो इस तरह से आप लगा लें। तो और बहुत ही हार्डी प्लांट होता है तो किसी भी तरह की मिट्टी में ये आसानी से चल जाता है। कोई ख़ास मिट्टी आपको नहीं बनानी है। तो मेरे पॉट की जो मिट्टी थी उसी में मैंने इसकी कटिंग लगाई थी और आसानी से चल गई। तो कुछ एक्स्ट्रा कटिंग ही लगाएं, एक आध तो ख़राब हो ही जाती हैं सबकी और कभी कभी चल भी जाती हैं, ऐसा नहीं है। तो इस तरह से आपको कटिंग लगा देनी है और नीचे से अच्छे से दबा देना है जिससे कि इसके ये स्टेम हिले ना, हिलनी नहीं चाहिए। अब मैं आपको पहले की कटिंग्स दिखाती हूँ, मैंने कुछ एक महीना पहले लगाई थी। तो देखिए इसमें कितनी अच्छी रूट फॉर्मेशन हो गई है। तो आजकल जैसे मौसम बहुत ही अच्छा है तो रूट फॉर्मेशन भी आजकल के मौसम में बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो बस इस बात का आपको ख्याल रखना कि नमी बनी रहे और कुछ दिन आपको तेज़ धूप से बचाकर रखना है। तो इस कटिंग को मैं लगा लेती हूँ अपने इस ट्राइंगुलर पॉट में। वैसे भी बहुत ही कम जगह है मेरे बालकनी गार्डन में। तो और कटिंग लगाने के बाद आपको अच्छे से पानी देना है, और जो भी आप कटिंग अपनी ट्रांसप्लांट करते हैं तभी भी आपको कुछ दिनों तक नमी बनाए रखनी है। तो इस तरह के इसकी कलियां रहती हैं और जब फूल सूख जाते हैं तो इसमें इस तरह के सीड पॉट भी बनते हैं। तो इसके जो है इधर उधर गिर के कई गमलों में इसके जो है प्लांट अपने आप ही उगाते हैं। जैसे इसी प्लांट में, इसी पॉट में मेरे और भी प्लांट उगाए हैं। देखिए जो ग्रीन कलर के हैं ये सीड पॉट हैं। जब ये सूख जाते हैं तो कुछ ब्राउनिश हो जाते हैं और अपने आप ही झड़ के ये, जैसे ये ब्राउन कलर का ये जो है फट गया है अपने आप और इधर उधर इसके स्कैटर हो जाते हैं सीड्स और कई नए प्लांट्स बनते ही रहते हैं आपके गार्डन में। तो बहुत ही अच्छा प्लांट होता है ये बिगनर्स के लिए। और ये जो मैंने कटिंग से लगाया था, देखिए इसमें फर्स्ट फ्लावर भी आ गया है। तो दोस्तों, आपको भी ये जो प्लांट है हार्डी प्लांट अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होप करती हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। फिर मिलती किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।